बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां आए दिन उनके द्वारा दिए जा रहे विवादित बयानों पर जगह जगह उन पर FIR दर्ज की जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर श्री राज राजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन देव को लेकर उनकी टिप्पणी पर बवाल मच गया, जिसको लेकर राष्ट्रीय युवा और सर्ववर्गीय कलार समाज ने सोशल मीडिया पर जारी धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों का विरोध करते हुए यथाशीघ्र संपूर्ण समाज से माफी मांगने की बात कही। जिन्होंने गुरुवार को एक बैठक का आयोजन कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए लिखित माफीनामा देने की मांग की, जहां उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के माफी न मांगने पर उनके ऊपर FIR दर्ज कराकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की भी चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि हाल ही में सोशल मीडिया में जारी एक वीडियो में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान श्री राजराजेश्वर को लेकर एक अपमानजनक और मिथ्या टिप्पणी की, जिससे पूरा कलार समाज दुखी और क्षुब्ध है। वहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश व पूरे देश में कलार समाज के लोगों में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है, जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से उनकी भावना को ठेस पहुंचने की बात कहते हुए जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री संपूर्ण समाज से माफ़ी नहीं मांगते तो लिखित में माफीनामा नहीं देते तो फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। समाज द्वारा एक आवश्यक मीटिंग बनाई गई है बैठक, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो हमारे समाज के इष्ट देव भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन देव के बारे में जो टिप्पणी की है उसके विरोध में पूरा समाज आज इकट्ठा हुआ है। और समाज, हमारा समाज बालाघाट में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में 35 से 40 लाख की आबादी हमारे समाज की, कलार समाज की, तो पूरे समाज में रोष है धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में जो उन्होंने अपशब्द किया हमारे भगवान सद्भाव के लिए। तो हम पूरा समाज इकट्ठा होकर पूरे मध्य प्रदेश में उनका विरोध चल रहा है और समाज की तरफ से एक ज्ञापन SP को देने जा रहे हैं और उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने जा रहे हैं। और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्होंने हमारे आराध्य कुल देवता भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज के ऊपर अभद्र और बहुत सारे कलंकित होने वाले आरोप जो लगाए हैं, उसके ऊपर हमारा समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग करते हैं और शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि यह कार्यक्रम जो उन्होंने हमारे समाज और समाज के कुल देवता के ऊपर अभद्रतापूर्ण टिप्पणी किया है, इसके विरोध में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें और नहीं हमारा कलार समाज उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा। मैं